आज हम ऐसी चटनी बनाएंगे जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। टमाटर और खजूर की चटनी, जो बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको खाने के साथ कुछ मीठा खाना पसंद है तो आपके लिए ये चटनी परफेक्ट है। और आप इसको बोतल में भर के फ्रिज में 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 टमाटर ले लिए हैं। टमाटर फ्रेश होने चाहिए ताकि चटनी अच्छी बने। और टमाटर के ऊपर ऐसे कट मार्क लगा देने हैं ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाए। टमाटर के छिलके आसानी से निकालने के लिए हम टमाटर में गरम उबला हुआ पानी डाल देंगे और इसे ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक रहने देंगे ठंडा होने तक, ताकि छिलके आसानी से निकल जाए। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर ठंडा हो गया है, तब इसके छिलके आसानी से निकल जाएंगे। तो सारे टमाटर के छिलके ऐसे ही निकाल देने हैं। अगर आपको छिलके के साथ चटनी पसंद है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब टमाटर को ऐसे टुकड़ों में काट लेना है। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े टुकड़ों में इसे कट कर सकते हो। ये सारे मसाले ले लिए हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डाला है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हो। उसमें राई, मेथी दाना, सौंफ जिसे कि वरियाली भी बोलते हैं, और जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, इसे ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसमें अब टमाटर डाल देना है और इसे मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। अब इसमें नमक डाल देना है और अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई को 4 से 5 मिनट तक कवर करके टमाटर को अच्छे से पकाना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम गुड़ डाल देंगे। आप चाहो तो चीनी भी डाल सकते हो, पर मुझे चटनी यहाँ हेल्दी बनानी थी इसलिए मैं गुड़ डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है गुड़ गलने तक। अब इसमें खजूर के पीसेस डाल दिए हैं और थोड़े से काजू डाले हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं चाहो तो काजू स्किप कर सकते हो। अब इसे 4 से 5 मिनट तक ऐसे कवर करके पका लेना है, ताकि चटनी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट हो जाए। तो ये परफेक्ट चटनी बनके तैयार हो गई है। हमें बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो टमाटर और खजूर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे देख के ही खाने का मन करता है, तो ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।